मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय यूनियन नहीं चलेगी। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की मुरादाबाद शाखा के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन के प्रथम चरण में आज नलकूप खंड प्रथम के प्रांगण में समस्त कर्मचारियों को एकत्रित कर प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। नलकूप खंड प्रथम पर धरने में पदाधिकारियों को स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जिलों के बाहर स्थानांतरण किए जाने को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त थे। धरने की अध्यक्षता प्रांतीय संयुक्त मंत्री शिव कुमार के द्वारा की गई तथा संचालन मंडल मंत्री अनुज कुमार गहलोत के द्वारा किया गया। आंदोलन के प्रथम चरण में वक्ताओं ने कहा कि यदि उक्त मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में आंदोलन का दूसरा चरण एक दिवसीय पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करके किया जाएगा। उक्त प्रदर्शन में मुख्य रूप से मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट मुरादाबाद जनपद शाखा के आनंद शर्मा, राकेश कुमार, जिशान, इमरान अहमद अली, योगेश कुमार, राजेंद्र गहलोत, मनोज कुमार, विक्रांत सक्सेना, अजीत कुमार चौहान, सुनील कुमार त्यागी, जफर खान, अनुज अग्रवाल, परवेज आलम, दीनदयाल चंद्र, रामवीर सिंह, अनुज कुमार वर्मा, दिव्या भारद्वाज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिव कुमार है, प्रांतीय संयुक्त मंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। आज का जो हमारा ये कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम है, जो हमारे लिपिक संवर्ग के साथी हैं जिनका स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जो है कर दिया गया है। स्थानांतरण नीति में साफ साफ उल्लेख किया गया है जो दिव्यांगजन है उनका ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, उनका ट्रांसफर बाहर कर दिया गया। जो राजकीय सेवा में जो दंपति हैं, मियां बीवी एक साथ राजकीय सेवा में कार्य करते हैं, उनको स्थानांतरण नीति में छूट प्रदान की थी, लेकिन उनका भी स्थानांतरण जिले से बाहर कर दिया गया। जो वरिष्ठ साथी हमारे थे जिनके सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष रह गए थे, उनका भी स्थानांतरण नीति में छूट प्रदान करी थी, उनका भी स्थानांतरण जो है जिले से बाहर कर दिया गया। और जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उनके जिला अध्यक्ष मंत्री हैं, उन्हें स्थानांतरण नीति में छूट प्रदान की थी, उनका भी स्थानांतरण जो है जिले से बाहर कर दिया गया है। और हमारे जो साथी लिपिक संवर्ग के हैं, साफ साफ स्थानांतरण नीति में यह उल्लेख किया गया है कि लिपिक संवर्ग के साथियों का पटल परिवर्तन हो, उनका जिले से ट्रांसफर बाहर न किए जाए। तो हमारी अपील ये है कि हमारे जो भी लिपिक संवर्ग के साथी हैं वो जनपद के जनपद में ही रहे और उनका ट्रांसफर जनपद के बाहर से ना किया जाए, क्योंकि लिपिक संवर्ग का कर्मचारी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। अभी आपने देखा स्वास्थ्य विभाग में जो है 1,000 किलोमीटर लोगों के जो है ट्रांसफर बाहर कर दिए गए हैं, लोगों के घर में 2-2 चूल्हे जलने लगे हैं। तो एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में कि जो है किसी को जो है घर से बाहर ना भेजा जाए। अब आप ये सोचिए, हमारे सामने, हमारे संवर्ग के सामने ये विषय है, बड़ी समस्या है कि अगर वो यहाँ से स्थानांतरण होंगे और कार्यमुक्त होकर जाएंगे तो उन्हें अपना कमरा किराए पर कौन देगा सर? हमारी मुख्य मांगे यही है कि एक तो हमारे जो साथी हैं उनके जिनके भी अभी स्थानांतरण हो गए हैं उनके संशोधित कर दिए हैं। वैसे 50-60% मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे स्थानांतरण साथियों के जो है संशोधित हो चुके हैं और कुछ अभी हमें आश्वासन दिया गया है, उसी के संबंध में ये हमने कर रहे हैं। और एक हमारी मुख्य मांग और है कि जो सिंचाई विभाग के जालसाज हैं 420 हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए।